इंडियाज़ टॉलेस्ट मैन। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मेरी उम्र 47 वर्ष है और मेरी लंबाई 8 फीट की। और कैसी है देश के सबसे लंबे आदमी की लाइफ, यही देखने के लिए मैं आ गई हूँ दिल्ली से नवाबों के शहर लखनऊ। लखनऊ में आपका स्वागत है। धर्मेंद्र के घर सही तो बताया भाग्या। गाइस यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि हम 17 मिनट में हिंदुस्तान के सबसे लंबे आदमी के पास पहुंच जाएंगे। गाइस यहाँ से ना 2 मिनट दिखा रहा है पर अब मैप नहीं कर रहा बिल्कुल भी काम, ठीक है? तो यहीं पे उतर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे अब हम पूछ के। भैया आपको पता है कि धर्मेंद्र जी का घर कहाँ पे है? वो जो काफी लंबे से व्यक्ति है धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। इधर है, इधर तो जाओ। एक आदमी जो कि हिंदुस्तान का सबसे लंबा आदमी है उसको ढूंढने में इतनी दिक्कत हो रही। आपको पता है ये धर्मेंद्र जी कहाँ रहते हैं? पता नहीं, लंबे से आदमी है ये, क्या पक्का? अभी तो कहते आपको पता नहीं है, नाम से नहीं लंबे सबसे ज्यादा लंबे यही है। हम अभी हिंदुस्तान के सबसे लंबे व्यक्ति के घर के बाहर खड़े हैं। नमस्ते, मैं दीदी हूँ। दीदी हो आप उनकी? प्रणाम। प्रणाम आपको, तो मुझे प्रणाम भी ऐसे करना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम माय होम प्लीज। आप उठाइए, हाँ देखिए। मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, वहाँ से भी नहीं पाएंगे, और ऊपर चढ़िए। अरे ठीक है, इतनी बेइज्जती आज के नहीं भाई, बेइज्जती क्यों करूंगा। आओ आपका घर देखते हैं। तो ये आपके हिसाब से सही है हाइट में कि छोटा है? छोटा है। फिर कैसे सोते हो? देखिए हाँ ऐसे। आप यहाँ पहुँच जाएंगी? हैं कहाँ पे? यहाँ पे। हम दोनों की कोई रेस थोड़ी है। आपके सामने का मानी भी छोटा ही है। ये बल्ब है, बल्ब ऐसे निकाल सकता हूँ। अरे बस हमें पता चल गया, अब क्या सारे घर के बल्ब निकाल दोगे? दिन में कितना घंटा फोन चलाते हो? अगर अधिक व्यस्तता रही तो कम चला पाता हूँ। हाँ। और फ्री रहा फिर फोन। मूवी वगैरह देखता हूँ और हॉलीवुड वगैरह देखता हूँ। हॉलीवुड कौन सी हीरोइन बता दो, कौन सी पसंद है हीरोइन? अभी तो दीपिका पादुकोण वगैरह ठीक ठाक। एज आपकी 40+ है, तो है मिजाज आपका पूरा 19-20 वाला है। यार एक बात बताऊँ, सच्ची सच्ची गर्दन दर्द हो गई से ऐसे बात कर रही हूँ इतनी देर से इनसे। हाँ तो और क्या, किसी नॉर्मल पुरुष से नहीं बात कर रही है। नॉर्मल पुरुष, ये हमारे मित्र हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये भी हमारे साथ दिल्ली से आए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये देखो, ये बच्चे हैं मेरे। तो ये पहन के देखेगा, जिम में चल गया। जिम में चल गया ये देखो।
इनका कोट मेरी शेरवानी है। मैं जय हो जय हो जय हो। ये देखो 8 फुट 1 इंच लंबाई के आदमी का कोट जो है 4 फीट की एक लड़की पहन। अरे 4 फुट 4 इंच आई। 5 फुट 4 इंच भाई, मैंने 4 फीट कह दिया। उनको इतने ऊपर से दिखता कहाँ होगा नीचे का। और ये है धर्मेंद्र जी की चप्पल, और ये इतनी बड़ी है कि इनकी एक चप्पल में मेरे पूरे परिवार के पैर आ सकते हैं। ये जो चप्पल है, एक बात बताओ, ये नॉर्मली तो आपको दुकानों में मिलती नहीं होगी। एक कारीगर है यही बनाता है वो मेरे लिए, कम से कम 2 महीने लगते हैं मेरे चप्पल बनने में। ये भी समस्या है यार। अभी टेलर क्या कपड़े दूं, सिलवाई नहीं, सिलने में कम से कम 15 दिन लगते हैं। कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। कितनी भी लंबी साइज में अगर ब्लैंकेट वगैरह लेता हूँ तब भी पैर भारी हो जाता है। फ्लाइट वगैरह में जब सफर करता हूँ तब तो फिर जान लो नरक हो जाता है। सीट लेता हूँ तो कभी ऐसे बैठता हूँ तो कभी वैसे बैठता हूँ। आप एशिया के सबसे लंबे आदमी हो, तो आपको अपनी हाइट की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं? नहीं, अपॉर्चुनिटी तो मिली है हमको, ऐसी बात नहीं है। मैं बाहर भी गया, जो वर्ल्ड के टॉलेस्ट मैन है उनसे भी मिला मैं, लेकिन चूंकि बाहर की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा हमें समस्या आती है, दिक्कतें आती है। ये तो है, उस टाइम पे काफी मुश्किल था कोई भी लैंग्वेज सीखना, पर अब ऐसा नहीं। आप तो आप जो चाहो वो लैंग्वेज सीख सकते हो डुओलिंगो ऐप यूज करके। डुओलिंगो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। डुओलिंगो से आप हिंदी से इंग्लिश ही नहीं बल्कि आप हिंदी से फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, कोई भी भाषा, 40 से ज्यादा भाषा फ्री में सीख सकते हो। इस पे लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है, बिल्कुल गेम जैसा लगता है। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये बिल्कुल गेम जैसा आ गया इसमें, ठीक है। सही फोटो चुने, ये पूछ रहा है कार कहाँ है, कार ये है, ये लो चेक करेंगे आप, सही हो गया, आप जारी रखेंगे। हाउस कहाँ है, ये देखो हाउस, अब है माय कार का क्या हुआ, मेरी गाड़ी, गाड़ी। ऐसा है। और आपको पता है ये लैंग्वेज के सभी एस्पेक्ट जैसे कि बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब सिखाता है। बस आपको दिन में अपने 10 मिनट देने होते हैं उसके लिए, आपके और रिमाइंडर भी भेजता है आपकी हैबिट बिल्ड करने के लिए। इसमें आप बोर नहीं हो सकते यूज करते वक्त, क्योंकि अलग अलग लेवल्स आने की वजह से आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है। अच्छा, तो ठीक है, हमारे फोन में इसको डाउनलोड करके जाना। मैं अभी इनके फोन में डुओलिंगो ऐप डाउनलोड करती हूँ। तो गाइस डुओलिंगो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप भी जाके ऐप डाउनलोड करो और अलग अलग लैंग्वेजेस सीखो, वो भी फ्री में। आवाज निकालते हो गले से, बीट बॉक्सिंग पसंद है आपको? आवाज खुद से आती है, निकालते हो? खुद से आती है, हर लेते हैं। बीट बॉक्सिंग कैसी होती है ना? आपकी हंसी बहुत तेज है यार, यहाँ हंसते हो गए हैं कानपुर तक आवाज जाती होगी। नहीं, सही बात है, मैं गेम खेलता हूँ अभी भी। कौन सा गेम खेलते हो? फ्री फायर। ऐसे कोई आउटडोर गेम नहीं खेलते भाई? हम वॉलीबॉल खेले जाएंगे तो मैं नेट के ऊपर होता हूँ। अच्छा, शादी वादी करी आप? नहीं करी? नहीं, शादी नहीं की अभी, अभी मैं करूँगा शादी। तो कब तक बताऊँ मैं ऑडियंस को? आप सोच रहे हो, प्लानिंग करूँगा कि 2 साल में। इंडिया तो कुछ भी नहीं है, नेपाल में ऑफर देती है लड़कियां, ऑफर देती हैं। वो आ जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी 4-5, वो कहती है आप हमसे शादी करोगे? इंटरनेशनल लेवल पे रिश्ते आ रही है, आप देखो। ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, छोटा सा। आपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का वो जीता था ना, ये कुछ छोटा नहीं है, ये तो मेरी उंगली के बराबर है। ये छोटी नहीं है, आप लंबे। शौक क्या क्या आपको, मतलब आपको पसंद क्या है आपको खाने? हम खाने के शौकीन हैं। क्या पसंद है आपको खाने में? खाने में खाना बढ़िया मिल जाए, ठीक ठाक। मतलब कुछ फेवरेट तो होगा, एक आधा मोमोज, पिज्जा, चलिए आज आप चाट खिलाते हैं, आइए। यार ईटा आपके हाथ में ऐसे लग रही जैसे कंकड़ हो। हाँ तो और क्या, इनका जो है हाथ इतना छोटा है कि एक बच्चे वाली बॉल भी नहीं आती है। सुनो, सूरज
आज कानपुर भेज दो यहाँ से हाथ मार के। जैसे आप ऐसे बाहर निकले हो तो कभी ऐसे किसी ने पूछा है कि ऊपर मौसम कैसा है? बता देता हूँ, बारिश होने वाली है। और सुनो, आप ऐसे बैग क्यों करा रहे हो? उठा के रख दो ना आगे। ऐसे उठा के रख दो उधर। गाड़ी के सामने खड़े होकर गाड़ी क्यों उसकी औकात दिखा दी? गिरना नहीं है नाली में? नहीं, आप हमें संभाल लेंगे? हाँ, कहीं दब दुब ना जाए भैया, बचाए रहना। आप नहीं गिरोगे, आप समुद्र के बीच में खड़े हो जाओ तो भी पानी यहाँ कमर तक आएगा। ये तो फिर भी नाली है। इनके लायक बाल्टी सही है, छोटी बाल्टी। ये देखो, कमेंट करके बताइए हमारे लायक कौन सी गाड़ी बनी है। आप थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, हम कहाँ बैठेंगे फिर? इनका चैनल जो है सब्सक्राइब करना। सुनो मेरी बात, उन्होंने बोल दिया आप सब्सक्राइब कर देना वरना तुम्हें उठा के अमेरिका फेंक देंगे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, हाँ होनी भी नहीं चाहिए। आपको आगे तक का दिख रहा है ना? हाँ, दिल्ली तक का हमें सब दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। इसे ऑर्डर कर दे क्या? हाथ बढ़ा के, हाथ बढ़ा के। अरे यार, अरे यार, कपड़े उठा के दे। अरे असली है, असली है। ये यहीं से इन्होंने पूरे लखनऊ को हाई कर दिया है। एक फायदा है, ये कहीं चले जाए कितनी भीड़ अपने आप हट जाती है। अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कोई नहीं। अजीब तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, कुछ नया आएगा मार्केट में तो लोग तो देखेंगे ही नया। और भैया वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं हमें यार। कितनी रोटी खा लेते हो एक बार में? चलो झूठे आदमी, चार रोटी तो पता भी नहीं चलता होगा शरीर को कुछ खाया है। अभी ने कौन बताया कि चार रोटी खाता है 40? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतना वो है सामान? गाइस पहले ये ब्लॉग था, अब ये फैमिली व्लॉग है। थैंक यू और धर्मेंद्र जी की सिर्फ हाइट ही लंबी नहीं, उनकी पहुंच भी काफी ऊपर तक है। अभी हम आए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ। कार्यालय लखनऊ, ये आते रहते हैं, हमने कहा हमें भी ले चलो, हम भी देखें कि भोगाल कैसा होता है, तो हम भी आ गए। अरे धुम 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 धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। इन्हें अंदर जाना है गाइस, तो बड़ा वाला गेट खुलेगा क्योंकि छोटे वाले से तो दुनिया जा ही रही है। साथ में उनके मुझे उधर से आना होगा। ठीक है, अच्छा सिक्योरिटी चेकिंग भी तो होगा। हमें वो जो है ना हिंदुस्तान के सबसे लंबे व्यक्ति, हम उनके साथ हैं। और ये दरवाजा तो मेरे लिए नहीं खुला, तो मैंने सोचा कि यार वहाँ चला जाए जहाँ के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। कौन सा मॉल है ये? लुलु मॉल।
लुलु मॉल। ओ मोयो ता कलर। देखो मैं आपको लेके आई हूँ तो मेरा आपकी रक्षा करना मेरा हक बनता है। वाह भाई वाह। ये इनके लिए बहुत कॉमन बात है, नॉर्मल। देखिए लोग कितना हमारी तरफ जो है चले आ रहे हैं, फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए। ये हमारे लिए बड़ी समस्या है। ये समस्या है, लोग तो मरते हैं, मेहनत करते हैं इसके लिए। आपका वजन कितना होगा? वजन मेरा 100 होगा। 100? ये क्या है? ये ट्राउजर है। पर आप इसे कैप्री समझो। लुलु माल के ऊपर ऊपर आ गए। मतलब वो बांस वगैरह लगा रहे चलते हैं ना। ये रियल रियल इंसान है, रियल हाथ में भी नहीं आएगा। मैं अपने आप को इतना बचाता था कभी पैदल न चलना पड़े। अगर मैं पैदल चलूंगा तो लोग देखेंगे जरूर। जब लोग हमें देख के हंसते थे हमको बहुत चिढ़ होती थी उस चीज से। क्या कह रहे हैं यार ये लोग, कैसा हमारे लिए कमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए कैसा ये विचार रखते हैं। तो थोड़ा फील होता है कि नहीं? हाँ, बुरा लगता है थोड़ा सा, होता है ना। हाँ। तो ऐसे ही है। अच्छा, तो उस टाइम पे लगता था कि यार। हाँ, अब जो है फिर अब हमको गर्व होता है। गर्व होता है ना यार, क्या लंबाई पाई, थोड़ा सा और लंबा हो जाए, कम बन जाए। तिवारी जी के चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। निशु 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 नाम मेरा सुन निशु।